हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। और कैसे हो आप? नमस्ते, प्रणाम सभी को, दिल से शुक्रिया। मेरा ब्लॉग पूरा देखिएगा प्लीज़। और जिसने ये बनाया है वो भी बताइएगा कि किस किस ने ये बनाना आता है। ये हमने लिया है गेहूं का आटा, इसमें मिलाया है हमने घी, और ये हमारे यहाँ पे शादी में बनाया जाता है। शादी में जिस दिन हल्दी लगती है लड़के को या लड़की को, उस दिन इसको बनाते हैं और लड़के को या लड़की की गोद में रखते हैं। फिर उसको वो लड़का या लड़की खाता है और अपनी भाभियों को खिलाता है, और कोई नहीं खाता है, ओनली भाभियाँ खाती हैं या दोस्त खाते हैं। दूल्हा, जो बनने वाले दूल्हा दुल्हन होते हैं, उनके दोस्त खाते हैं या भाभियाँ खाती हैं। और ये हमारे यहाँ पे शादी में सबसे ज़्यादा खास होता है। 2 दिन बनता है वैसे तो, लेकिन 2 दिन नहीं बना पाते हैं तो 1 दिन ज़रूर बनता है। और पुए बनते हैं, पूड़ियाँ बनती हैं, बहुत कुछ बनता है वैसे तो, बहुत सारा। लेकिन ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है खाना भी और अपने बच्चों को खिलाना भी। मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है। तो जब बचपन में बच्चे रोटियां खाना स्टार्ट करते हैं ना, 6 महीने बाद जब हम बच्चे को कुछ खिच खिलाते हैं, तो उस टाइम भी आप ये वाली रोटी की तौर पे बच्चे को बना के खिला सकते हो। मोन, इसको मोन बोलते हैं, मोमन डाल के बच्चे को अपने खाना जो फर्स्ट में हल्का फुल्का खिलाते हैं, तो ये रोटी की सॉफ्ट रोटी की तरह बन जाएगा। तो इसको अपने बच्चे को आप खिला सकते हो। और इसको हमने घी मिलाया है, इसको बढ़िया से मैथ रहे हैं घी को, और फिर गुड़ का पानी बना के रखा है मैंने। गुड़ डाला है, उसको पिघला लिया है, और इसी से वैसे आटे को गूंदते हैं तो दूध से गूंदते हैं, लेकिन ये मैंने गूंदा है गुड़ के पानी से, क्योंकि मेरा दूध फट गया था और इसलिए मैंने ये पानी से गूंदा है। इसको गूंदने के बाद रख देंगे इसको 10 मिनट के लिए रेस्ट पे। जब ये रेस्ट करे, रेस्ट होगा ना, तो ये दोबारा टाइट होगा। तो इसमें थोड़े से पानी के छींटे मार मार के दूध के भी मार सकते हैं, और पानी के छींटे लगा लगा के इसको फिर से सॉफ्ट करना होता है। पूड़ी के वजह से आटा गूंदेगा ये। और फिर उसके बाद इसमें नारियल मिला सकते हो, इलायची का पाउडर मिला सकते हो, और जो भी आपको तिल वगैरह, जो तिल पर होते हैं सफ़ेद तिल, आपको तिल पसंद हो तो तिल भी मिला सकते हो आप। तो इसको कन मैं गूंद लिया है मैंने, बहुत अच्छे से गूंदना पड़ता है इसको, सॉफ्ट का वो करना पड़ता है बिल्कुल लोच वाला। तो अभी इसको ना बहुत मेहनत तो है, लेकिन अच्छा भी बहुत लगता है इसको खाने में। तो ये हमारे यहाँ पे शादी में बनता है ना, तो लड़के को देते हैं, लड़की को देते हैं, फिर वो इसको बोलते हैं हमारे यहाँ पे हथौना, हथौना बोलते हैं इसको, लेकिन आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता है, आप बताइएगा आपके यहाँ पे क्या बोलते हैं। हमारे यहाँ पे इसको हथौना बोलते हैं। और फिर ये मैं कभी भी, मेरा जब मीठा खाने का मन होता है ना, तो मैं मीठे में लड्डू, पेड़े, रसगुल्ले कुछ नहीं खाती हूँ, मुझे ये अच्छे लगते हैं तो मैं ये बना के खाती हूँ। और मेरे तीनों बच्चों को ये बहुत पसंद है, इतना कि मतलब उनको बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। जैसे कि उनको कुछ मत बना के दो, ये बना के दे दोगे ना तो उनको रोटी भी नहीं खानी है, खाना भी नहीं खाएंगे, इसी से पेट भर लेंगे, इतना पसंद है। तो ये मैंने गूंदा है अभी आटा, इसका क्या बोलते हैं, गेहूं का आटा है ये। और उसके बाद ना थोड़ा सा मेरे बाजरे का आटा रखा हुआ है, और वो हो जाएगा ख़राब, रखे रखे कड़वा हो जाता है बाजरे का आटा। तो फिर उसको मैं बाजरे के आटे को गूँदूँगी, और बाजरे के आटे में भी इसी तरह का मिला रही हूँ मोमन, लेकिन उसको बोलते हैं टिकिया। बाजरे के जो आटे की बनाऊँगी उसको बोलते हैं टिकिया, लेकिन ये जो है गेहूं के आटे का जो मैं बना रही हूँ उसको बोलते हैं हथौना। तो अभी देखते रहिएगा। और सभी जिसने भी कभी ज़िंदगी में बनाया है तो बताइएगा, और जिसने नहीं बनाया है वो बनाने के ट्राई करके मुझे बताइएगा कैसा लगा। और
ये हमारे मैंने अपनी लाइफ में, ये मैंने अपने घर पे, मैंने अपने बच्चों को तो बहुत बना के खिलाया है ही है, लेकिन मेरे घर में, ससुराल में, मेरे यहाँ पे 4 शादियाँ हो गई हैं। 4 शादियों में 3 शादियों में मैंने खुद बनाया अपने हाथों से इसको, और एक शादी में मैं गुस्से में घर चली गई थी, तो शादी में अटेंडेंट मैं मतलब मैं अटेंड नहीं की थी, तो मैं उस शादी को मिस कर दी थी जिसमें मैं ही बनाती, अगर जो मैं होती घर पे तो मैं ही बनाती, लेकिन मैं गुस्से में चली गई थी घर पे तो नहीं बना पाई थी। लेकिन ये मैंने अपने मायके में जितनी भी शादियां हुई हैं मैंने वहाँ पे भी यही बनाया, मैंने बनाया है सभी शादियों में, और ससुराल में भी मैंने बनाया है हमेशा। ससुराल में सारी 3 शादियां हो गई, 3 शादियों में मैंने बनाया है, और मायके में हो गई हैं कम से कम 6-7 शादियां, वहाँ पे भी मैंने ही बनाया है। तो मुझे ये बहुत बनाना अच्छा लगता है, और मेरे ससुराल वाले भी यही कहते हैं कि आप अच्छा बनाते हो तो आप बनाइए। तो ये बाजरे का आटा भी होके हो गया है तैयार, गूंद गया। अभी थोड़ी देर के लिए इनको दोनों पेड़ों को रखते हैं रेस्ट पे, और तब तक हम चला लेते हैं लाइव। तो रख दिया है, अभी थोड़ा जो भी काम है वो निपटा लेते हैं, और फिर बनाएंगे इसको, फिर दिखाएंगे आपको। तो अभी बने रहिए आप मेरे ब्लॉग में, और क्या बोलते हैं, मुझे पूरी तरह से प्रॉपर ब्लॉग बनाना नहीं आता है, बस मैं बना ही देती हूँ। जैसे कि मैंने मेरे अंकु आंसू अंशुल भाई हैं, उनसे मैंने बना ब्लॉग को बनाने की कोशिश की थी, उनसे सीख ही थी, उन्होंने ही बोला था कि धीरे धीरे सब आ जाएगा, धीरे धीरे सीखो, बनाने की कोशिश करो। अभी इसको हो गए 15 मिनट, 15 मिनट बाद हमने इसको दोबारा से थोड़ा सा पानी डाल के इसको सॉफ्ट करना है, तो अभी मैंने इसको दोबारा सॉफ्ट कर रही हूँ, और बनेंगे तो फिर दिखाएंगे क्या है ये और कैसे बनते हैं। मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मैंने इसको जब लाइव बनाई, लाइव की थी मैंने जब ये बनाया था, तो लाइव की थी, तो लाइव में भी जाके देख सकते हो। लेकिन अभी फ़िलहाल इतना ही, वीडियो देखते रहिए, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, और जो न्यू है इस चैनल पे वो ज्वाइन कीजिएगा, और जो भी है प्यार सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है मुझे। मुझे 3 साल हो गए हैं मेरे चैनल पे काम करते हुए, और मेरा आज तक मतलब कुछ नहीं हो पाया है, कुल मिला के ये कि मेरे को, मैं कुछ नहीं कर पाई हूँ अपने चैनल के लिए क्योंकि पहले मुझे पता नहीं था, और जब पता चला तो लेट पता चला, तो अभी WT वगैरह बहुत कट रहा है मेरा। और ये बना रहे हैं हम इसकी लोइयाँ, तो ये लोई बना रही हूँ अभी मैं फ़िलहाल, लोइयाँ बना के रख लूँगी, फिर एक एक करके इनको बेलूँगी और साथ के साथ इनको सेकूँगी, क्योंकि ये ना टूटती हैं, अगर जो इसको हम बेल के रख लें और फिर इसको फ्राई करने के लिए उठाएंगे ना तो टूट जाएगी, तो इसको ना साथ के साथ बेलना होता है। तो लोइयाँ बना के रख लूँगी, आसानी रहेगी और आराम से बना पाऊँगी मैं। तो बने रहिए ब्लॉग में, और अच्छा बुरा जैसा भी लगे आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, कैसा लगा खाके बताइएगा। और आपके यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं वो भी ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ पे इसको, जो मैंने बाजरे का आटा तैयार किया है उसको बोलते हैं टिकिया, और जो मैंने गेहूं का आटा किया है तैयार इसको बोलते हैं हमारे यहाँ अंदर से, वो बोलते हैं हथौना। हथौना शादियों में बनता है ये हमारे यहाँ पे, हमारे यहाँ पे शादियों में सबसे पहले खास मौका और खास रसम का हिस्सा है ये, इसको हमारे यहाँ शादियों में सबसे खास रसम में माना जाता है। तो अभी ना तो मेरी बच्चों की शादी है, ना मेरे भाई की शादी है, ना मेरी बहन की शादी है, लेकिन मैं बना रही हूँ, मुझे खाना है तो मैंने बना दिए हैं। सभी का स्वागत है, जो भी नए आ रहे हैं सभी देखते रहिए और सपोर्ट कीजिए,
रेसिपी बनाने की कोशिश कीजिए, और सबको आती ही होगी, बहुत मुश्किल नहीं है बनाना, आराम से बन जाती है। और ये दूध में बनाओ, दूध में आटा गूंदो तो बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं। अभी मैं इसको फ़िलहाल बिना दूध के पानी में बनाई हूँ, देखती हूँ कि कैसे बनेंगे, लेकिन जितना भी हो सके घी में, उसमें दूध में बनाते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है, इतना मुझे पता है। लेकिन मैंने तो गलती कर दी आटे में उसका पानी में बनाने की। तो अभी हम इसको चकले पे रख के फ्लैट कर रहे हैं, पूड़ी की तरह इसको हाथ से बना रही हूँ, क्योंकि इसको चकले से बेलेंगे तो चिपक जाएगा, चकले पे तो बनेगा नहीं। तो इसको मैं हाथ से ही इसको फैला दी हूँ, जैसे हम उसको फैलाते हैं, क्या बोलते हैं वो, फैलाते हैं ना हम लोग,